I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of University of Allahabad, and it is my email ID. The topic which I am going to discuss today is very close to my heart, and it is qualitative research. And the lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations, as many questions have been asked from this topic. So let's start. First of all, गुणात्मक अनुसंधान. बात करने से पहले हम लोगों के मन में जो अनुसंधान का एक क्राइटेरिया फिट है, उससे क्वांटिटेटिव रिसर्च पर वो पैमाना फिट बैठता है. इसलिए जब क्वालिटेटिव रिसर्चेस की बात शुरू हुई तो अक्सर इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च के विरोध में देखा गया और उससे कमतर आंका गया, क्योंकि शुरुआत में मैं मान के चल रही हूँ कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में जानते हैं, तो जैसे ही बात शुरू होती है क्वालिटेटिव रिसर्च की तो कहा जाता है कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते. जब आप जनरलाइज नहीं कर सकते अपनी फाइंडिंग्स को तो सॉरी रिसर्च करने का मतलब ही क्या है, एंड समथिंग ऑल लाइक दैट. तो हम लोगों को एक दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है क्वालिटेटिव रिसर्च को. यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च बेहतर है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेहतर है, दोनों ही अप्रोचेज हैं ओनली, है ना. एक हमारा उपागम है, एक हमारा देखने का तरीका है, देखने का नजरिया है, और डिपेंड ये इस बात पर करता है कि हम खोजने क्या जा रहे हैं. हम यहाँ पे ये नहीं शुरू कर रहे कि रिसर्च क्या है, री प्लस सर्च है, बार बार खोजना है अनुसंधान. ये सब मैं मान के चल रही हूँ कि आपको इन सब बारे में पता है, या कभी बाद में इस पर बात कर लेंगे. क्वालिटेटिव रिसर्च एमए के कोर्स में है और मैं बहुत दिनों से इस पर बात करना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था. तो क्वालिटेटिव रिसर्च, मैंने भी अपनी रिसर्च क्वालिटेटिव पीएचडी में क्वालिटेटिव रिसर्च ही यूज़ किया है, सो मैं इसे तादाद में स्थापित कर पाती हूँ, एक सार हो पाती हूँ इसके साथ. तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर आपको इसके बारे में बता पाऊंगी, क्योंकि जिसने नहीं किया है क्वालिटेटिव रिसर्च वो उस पर उस तरीके से बात नहीं कर सकता है, आई थिंक सो. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में या क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक या मात्रात्मक अनुसंधान में हमको ध्यान इस बात पर देना होगा कि हमारा प्रश्न क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हम क्या खोजने जा रहे हैं. ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी रिसर्च अपनाएंगे, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव. तो यहाँ पर जब हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का आपसे आगे की किसी वीडियो में डिफरेंस भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, है ना. तो क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च, किसको आप कहेंगे कि गुणात्मक अनुसंधान है. क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च का एक प्रकार है, दैट एक्सप्लोर्स, जो खोजता है, एक्सप्लोर करता है, एंड प्रोवाइड्स, और हमको प्रस्तुत करता है, हमको देता है क्या, डीपर इनसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. यानी कि जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं हैं उनमें हमको गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर पाता है. कौन? क्वालिटेटिव रिसर्च. यानी कि जब हम गुणात्मक अनुसंधान का इस्तेमाल करते हैं तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करके डीपर इनसाइट हमको दे पाता है. क्यों ऐसा कर पाता है वो, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग, सॉरी यहाँ थोड़ी खांसी आ रही है, सॉरी, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट्स. जो लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि वहां पर हम क्या करते हैं, हम गणनाएं एकत्रित करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं, फिर उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टूल निकालते हैं, और लास्ट में हम ये बताते हैं कि वो जो हमारा डिफरेंस है, जनरली हम ऐसा बताते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नॉट सिग्निफिकेंट है, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट की जाएगी या नॉट सो रिजेक्ट की जाएगी, है ना. इतना सब लोग जानते हैं. तो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट्स, यहाँ पे हमको आंकिक कोई आंकड़ा एकत्रित करने की बजाय हम क्या करते हैं, और इंटरवीन और इंट्रोड्यूस ट्रीटमेंट्स. वहां का तो होता है ना कि कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हम पोस्ट टेस्ट करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं और अंतर देखते हैं, ये सारी चीजें वहां होती है, जस्ट लाइक इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च helps generate hypothesis, यानी कि जो गुणात्मक अनुसंधान है वो किसमें मदद करता है, वो hypothesis generate करने में मदद करता है. यानी कि हम परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं इससे जो निकल कर आया है fact finding, उससे as well as further investigate and understand quantitative data, या हम कह सकते हैं कि first instance में
हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च से कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर से ये निकाल लिया कि हाँ ठीक है ये कारण है, इसकी वजह से ये प्रभाव हो रहा है, लेकिन उसमें अगर हमको डीपर इंसाइट चाहिए, फर्दर एक्सप्लोरेशन चाहिए, तो उसके लिए हमको क्वालिटेटिव रिसर्च की शरण में जाना होगा. वाई? बिकॉज उसका काम ही यही है कि एक्सप्लोर करना. तो क्वालिटेटिव रिसर्च गैदर्स, क्या करती है क्वालिटेटिव रिसर्च? पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो पार्टिसिपेंट है, जो हमारा सैंपल है जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके अनुभवों को एकत्रित करती है, उनका परसेप्शन एकत्रित करती है, उनका व्यवहार एकत्रित करती है. और ये क्षमता क्वांटिटेटिव रिसर्च के पास नहीं है. वहां पर सिर्फ आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में. तब इसके अलावा इट आंसर्स द हाउस एंड व्हाइज, यानी कि ये इस बात का उत्तर देती है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इंस्टेड ऑफ हाउ मैनी और हाउ मच, है ना. यानी कि ये नहीं बताया जा रहा है कि कितना हुआ, हाउ मैनी, कितनी बार हुआ, कितना ज्यादा हुआ, बट ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये तभी निकल कर आएगा जब हम उनके अनुभवों को शेयर करेंगे. किन के अनुभवों को? उनके अनुभवों को साझा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद इसमें बहुत सारे पॉइंट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. इट कुड बी स्ट्रक्चर्ड एज ए स्टैंड अलोन स्टडी. ये हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हों, या प्योरली रिलाइंग ऑन क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि हम कोई ऐसी स्टडी कर रहे हों जिसमें सिर्फ हम क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज कर रहे हैं. और इट कुड बी पार्ट ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च, यानी कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च भी आजकल बहुत पॉपुलर है, क्योंकि बहुत क्वालिटेटिव रिसर्च में ना बहुत आलोचना होती है कि कैसे आपने कोई टूल नहीं लगाया, आपने कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाई, तो कैसे रिसर्च हो गई, ये सारी बहुत सारी बातें होती है. तो ठीक है, हम उसको थोड़ा सा दरकिनार करने के लिए, थोड़ा सा एट ईज करने के लिए क्या करेंगे कि क्वालिटेटिव भी कर लेंगे, क्वांटिटेटिव भी कर लेंगे. पहले क्वांटिटेटिव से हमने कोई डेटा निकाल लिया और फिर उसका फर्दर एनालिसिस कर लेंगे क्वालिटेटिव से. तो इस तरीके की बातें बहुत पॉपुलर हो गई हैं रिसर्च की फील्ड में. तो मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च हो जाता है वो, जिसमें कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को ले सकते हैं. लेकिन स्टैंड अलोन रिसर्चेस भी होती हैं और पॉपुलर होती हैं, और उनका जो फाइंडिंग है वो भी वेरीफाइबल होता है. ओके, तो ये पहला अनुमान, एक पहला साक्षात्कार हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ. फिर और क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च? At its core, it asks open-ended questions whose answers are not easily put into numbers, such as how and why. जब भी हमको ये जानना होगा कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो हम उनसे कोई क्वेश्चनेयर नहीं भरवा सकते. हम ये नहीं पूछ सकते, उनसे कोई रेटिंग स्केल नहीं टिक करा सकते कि इसको बस टिक करते जाइए, या आप ये बता दीजिए हाँ या ना, हाँ या ना. हमेशा हमको ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ चलना होगा, तभी वो चीजें निकल कर आएंगी जो कि हमारे दिमाग में भी नहीं है शायद. One of the strengths of qualitative research is its ability to explain processes and patterns of human behavior that can be difficult to quantify. इसकी यही खास बात है. एक्चुअली हुआ क्या कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का इतना दबदबा था जब क्वालिटेटिव रिसर्च का इमर्जेंस हुआ, तो जो इसकी पॉजिटिविटी थी, जो इसका प्लस पॉइंट था, उसी को इसकी नेगेटिविटी बता दी गई, उसी को कहा कह दिया गया कि इसकी कमी है, कि ये जनरलाइज नहीं कर सकते आप, इसका आप ट्रांसफर मतलब वैलिडिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, वो सारे टर्म्स जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ चलते हैं. अरे भाई वो दूसरा अप्रोच है, ये दूसरा अप्रोच है, उसमें वो नहीं है तो इसमें जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के पास नहीं है, है ना. तो इस तरीके से हमको देखने की जरूरत है, इस तरीके से नहीं देखने की जरूरत है कि ये कहीं कमतर है. तो इसकी जो एक प्लस पॉइंट है, जो इसके संग एक पॉजिटिविटी जुड़ी, जो इसका एक गुण है, वो ये है कि वो मनुष्य का व्यवहार, जिसको कि हमको आंकड़ा देना मुश्किल है, जिसको कि हमको अंकन करना मुश्किल है, उन तरीके की प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाओं और पैटर्न को ये एक्सप्लेन करने की योग्यता रखती है. इसके अलावा फेनोमेना सच एज एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स कैन बी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली कैप्चर क्वांटिटेटिवली. जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा खुशी हुई, किसी के संग कोई बहुत ही ब्रूटल एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसको कितना रेटिंग करेगा, क्या बताएगा, 100 गुना है, 200 गुना है, 1000 गुना है, शायद वो उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, वो अंक नहीं दे पाएंगे हम उसको. तो वो चीजें, वो अनुभव, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर जिसको कि हम डिफिकल्ट है, हमेशा से ही मनुष्य का व्यवहार क्वांटिफाई करना मुश्किल है. ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल बीइंग, है ना. हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आज ऐसा बोलेंगे कल कुछ और बोल देंगे, आई डोंट नो मतलब कितना. अब इसमें पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस चलने लगेगा पीछे, कि वो अनकॉन्शियस से प्रभावित होकर बोल रहे हैं, कि सब कॉन्शियस से बोल रहे हैं, कि कॉन्शियसनेस में बोल रहे हैं, है ना. तो ये डिफिकल्ट है कि उसको हम एक्यूरेटली क्वांटिटेटिवली कैप्चर कर सकें. वेयर इज ए क्वालिटेटिव अप्रोच अलाउज पार्टिसिपेंट्स देमसेल्व्स टू एक्सप्लेन हाउ आई और व्हाट दे वर थिंकिंग, फीलिंग and experiencing at a certain time or during an event of interest.
जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ये अलाउ करती है पार्टिसिपेंट को कि वो खुद बताएं, वो एक्सप्लेन करें कि वो कैसा, क्यों और क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे या उस इवेंट ऑफ इंटरेस्ट पे। और बाद में ये नहीं होता है कि हमने बस बातचीत की पार्टिसिपेंट से और उनको हमको ऐसा लगा कि वो ऐसा सोच रहे हैं और हमें ऐसा रिजल्ट मिल देते हैं। निगोशिएटेड आउटकम होते हैं। बाद में फिर जाता है जो आपका रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट से बात करने की हमने ये निष्कर्ष निकाला है, एक्चुअली आप भी यही सोच रहे थे या हमने कुछ गलत सोच लिया है। तो ये बड़ी टिपिकल कॉम्प्लेक्स और एग्जॉस्टिव वर्क है क्वालिटेटिव रिसर्च का करना। तो आई थिंक कि अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है और क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड सर्व टू एक्सप्लोर द ग्रे एरियाज दैट रिमेन आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ क्वांटिटेटिव प्रेडिक्टिव रिसर्च इन ह्यूमन बिहेवियर। हम क्या करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वेश्चनेयर बनाया हमने, तो हमको मुझे हमेशा से ये बात लगती है कि क्वेश्चनेयर हमने बनाया तो हमने वही पॉइंट्स तो उसमें डाले जो हमको लगते हैं कि वो पॉइंट्स हो सकते हैं, या जो हमें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से पता चला है, या जो पिछले क्वेश्चनेयर्स में लोगों ने डाले हैं। लेकिन कोई ऐसा भी तो पॉइंट हो सकता है ना जो ऑल टुगेदर कहीं हमारे कहीं दिमाग में ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट के दिमाग में है। तो हमको ओपन एंडेड लेके चलना पड़ेगा, हमको अनस्ट्रक्चर्ड लेकर चलना पड़ेगा, तभी तो कुछ नई चीज निकल कर आएगी। वरना जो चीज पहले ऑलरेडी निकली हुई है हम सिर्फ उसी को चेकिंग करने जा रहे हैं, उसी का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, उसी का कॉज एंड इफेक्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो हमको ये ध्यान देना होगा कि कोई रिसर्च अच्छी या बुरी नहीं है, दोनों रिसर्च सिर्फ अप्रोच टूवर्ड्स रिसर्च क्वेश्चंस हैं कि हम एक्चुअली व्हाट डू वी वांट टू फाइंड आउट, है ना। देन Training in qualitative research is absolutely essential to understand and explore the dynamic nature of the society in which we function. तो ये थोड़ा सा शुरुआत में जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडल्ज हुए और हम लोगों को ये काम करना था कि बड़ा कुछ अनस्ट्रक्चर्ड सा है, मतलब होता है ना कि क्वेश्चनेयर हमारा रेडी है और हमको क्वेश्चन ले जाना है और हमको फिल कराना है और फिर हमको डेटा करना है और वो कौन खुद करता है, वो सब कुछ सिस्टम पे हो जाता है अब तो, है ना, वो भी कोई पैसा देकर कर लेता है। तो लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा आप किसी को कितना भी पैसा दीजिए, मतलब अब तो है बहुत सारे इसके फंक्शंस आ गए हैं, एटलस वगैरह, एटलस टाई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने जब रिसर्च की थी तो इसका कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था, या अवेलेबल भी होगा तो मतलब बहुत ही कुछ हाई क्वालिटी रिसर्चेज में या बहुत बढ़िया संस्थानों में यूज किया जाता होगा। हम लोगों को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो इतना सारा डेटा, बातचीत, टेप रिकॉर्ड्स और उनका मतलब उसको समराइज करना, उसको सिलसिलेवार करना, उसमें कोई पैटर्न ढूंढना, इट वॉज सो टफ एंड सो टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत बार आदमी डीमोटिवेट हो जाता है कि हमसे तो रिसर्च नहीं हो पाएगी। एक्चुअली ये तो आई थिंक सभी पीएचडी करने वालों को लगता है कि ये रिसर्च अब उनसे नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर फाइनली आदमी किसी तरह से उसको समअप करता है। तो ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है क्वालिटेटिव रिसर्च करने में। क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल टूल के बारे में जानकारी हो या कोई आपको गाइड कर देगा तो आप वन बाई वन पाथ पर चल सकते हैं, क्योंकि पाथ स्ट्रक्चर्ड है, पाथ आपको पता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बट क्वालिटेटिव रिसर्च का पाथ नहीं तैयार है, वो हमको खुद बनाना पड़ता है। जैसे जैसे हम रिसर्च में इंडल्ज होते हैं, जैसे जैसे हम डेटा कलेक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे वैसे वो रास्ता खुद क्लियर होता जाता है धीरे धीरे, शने शने। शुरुआत में सब कुछ धुंधला होता है। हेंस अ ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ इज रिक्वायर्ड टू इंडल्ज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, देन क्वालिटेटिव रिसर्चर्स स्टडी थिंग्स इन देयर नेचुरल सेटिंग्स, अटेम्प्टिंग टू मेक सेंस ऑफ और इंटरप्रेट फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग्स पीपल ब्रिंग टू देम। इसीलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, हमको डीपर इंसाइट चाहिए, हमको पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्या होना चाहिए कि अनुसंधान करता कोशिश करता है कि वो चीजों को उनकी नेचुरल सेटिंग्स में स्टडी करे, अटेम्प्टिंग टू मेक सेंस ऑफ, जिससे उसका अर्थ निकल आए, उसकी व्याख्या की जा सके फिनोमेना की, घटनाओं की, इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग्स पीपल ब्रिंग टू देम, यानी कि जो पार्टिसिपेंट ने उसको अर्थ दिया है उस अर्थ को हमको प्राप्त करना है। ओके, जब क्वालिटेटिव रिसर्च इतनी खास है तो क्वालिटेटिव रिसर्चर भी खास होगा, है ना। क्या है क्वालिटेटिव रिसर्चर का रोल? बहुत खास है। द क्वालिटेटिव रिसर्चर मस्ट एक्ट एज ए ब्रिकलियर। अब ये ब्रिकलियर क्या है, ये टर्म बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता है। ब्रिकलियर का आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो उसको आपको मिलेगा कि कोई भी ऐसा जो ब्रिकोलाज बनाए। तो ब्रिकोलाज क्या है? ब्रिकोलाज वो है कि जैसे हम लोग को जो भी सामान हमारे पास उपलब्ध है उसी से हम कुछ बना लें, ऐसा कुछ अर्थपूर्ण,
मतलब सामान ऐसे ही कुछ इधर उधर था, टिट्स एंड बिट्स था, कोई पैटर्न नहीं था, कोई उसमें एक सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन उस ब्रिकोलियर ने अपने अपने यू कैन से इंस्टिंक्ट से उसको जोड़ के एक ऐसा बना दिया जिससे आपको लगने लगा कि हाँ पैटर्न भी है, अर्थ भी है, इस तरीके की चीज. द क्वालिटेटिव रिसर्च एज अ ब्रिकोलियर यूजेस द टूल्स ऑफ हिज और हर मेथोडोलॉजिकल ट्रेड. वो अपना मेथोडोलॉजी खुद बनाता है, वो अपनी मेथोडोलॉजिकल ट्रेड को का इस टूल इस्तेमाल करता है. डिप्लॉइंग वॉट एवर स्ट्रेटजीज मेथड्स और एम्पिरिकल मटीरियल्स आर एट हैंड. मतलब जो कुछ भी उपलब्ध हो उसी से काम चलाना है, वही तरीका इख्तियार कर लिया जाएगा, वही व्यूह रचना हम बना लेंगे. ऐसा बेकर साहब 1989 में कह रहे हैं. द चॉइस ऑफ विच टूल्स टू यूज, विच रिसर्च प्रैक्टिसेस टू एम्प्लॉय इज नॉट सेट इन एडवांस. देखिए, चूंकि ये रास्ता पार्टिसिपेंट की आंखों के थ्रू हमको देखना है, वो क्या महसूस कर रहा है, उसका क्या विजन है, तो हम पहले से कैसे सेट करके चल सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे चलेंगे. जैसे जैसे हम मान लीजिए अगर इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने जो टूल ले रखा है यूज किया वो इंटरव्यू है, तो जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. हो सकता है कि जिस चीज को हमने बहुत कम इंपॉर्टेंस दी हो उसका, उस क्वेश्चन का उसकी जिंदगी में, पार्टिसिपेंट की जिंदगी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो, तो हम पहले से कुछ इन एडवांस प्रायर सेट नहीं कर पाते हैं. जो भी सेट होता है वो धुंधला सा होता है, लेकिन अक्सर इसी को इसकी डिलिमिटेशन या लिमिटेशन मान लिया जाता है कि इसमें तो कुछ सेट ही नहीं है, बड़ा हैपजर्ड है. तो उसके पीछे लॉजिक है ना, क्यों हैपजर्ड है, क्यों सेट नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट वे, बिकॉज ऑफ दिस वेरी नेचर, कि हमको हमारे हिसाब से थोड़ी चलना है, हमको पार्टिसिपेंट के हिसाब से चलना है. देन द चॉइस ऑफ रिसर्च प्रैक्टिसेस डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस दैट आर आस्क. हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, एंड द क्वेश्चंस डिपेंड ऑन देयर कंटेक्स्ट. और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोच कर गए थे कि हम ये बात करेंगे, लेकिन हमको कंटेक्स्ट के हिसाब से, मान लीजिए वो बहुत ही दुखी है आज आपका पार्टिसिपेंट, और हम उससे कोई बड़ा, उससे कोई दुखद एक्सपीरियंस, उसकी जिंदगी का अनुभव शेयर करने जा रहे हैं, तो हमको बींग अ ह्यूमन बींग, बींग एन एम्पेथे टू क्रिएट एन एम्पेथेटिक एनवायरमेंट, हम उससे उस दिन उस तरीके का दुख वाला चीज उसे फिर से पूरे देंगे तो वो और दुखी हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे, कुछ और कंटेक्स्ट देखते हुए कुछ और बात कर लेंगे उस दिन. तो इस तरीके से चलना होता है, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये प्रोसेस, थोड़ा धीरे चलता है. ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हमको क्वालिटेटिव रिसर्चर बनना है तो क्या खास बात हमारे में होनी चाहिए, क्या विशेष गुण होने चाहिए. एबिलिटी टू परफॉर्म, हमको परफॉर्म करने की एबिलिटी होनी चाहिए. क्या परफॉर्म करना है हमको, अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स टास्क, बहुत तरीके के हमको काम करने हैं, रेंजिंग फ्रॉम इंटरव्यूइंग टू ऑब्जर्विंग टू इंटरप्रेटिंग पर्सनल एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स टू इंटेंसिव सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन. यानी कि कई बार देखें हम किसी के बहुत दुख में शरीक होने जा रहे हैं. अब ये बात हम बाद में करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च तो कहती है ऑब्जेक्टिव होना है, हमको शरीक नहीं होना है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च कहती है भैया बिना शरीक हुए तो तुम्हारा काम ही नहीं चल पाएगा. यानी कि यहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और सब्जेक्टिविटी में भी रिफ्लेक्सिव सब्जेक्टिविटी है. तो ये सारी चीज़ें और टर्म्स हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमको बहुत तरीके के काम करने हैं, हमको इंटरव्यू भी लेना है, हमको प्रेक्षण भी करना है, हमको व्याख्या भी निकालनी है पर्सनल डॉक्यूमेंट से, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से, फिर हमको सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करना है, हमको इंट्रोस्पेक्शन भी करना है. कितने भारी भारी शब्द हैं. सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम खुद पर हमारा रिफ्लेक्शन है कि हम उस रिसर्च से कितने प्रभावित हुए. मतलब सब्जेक्टिविटी होनी है, लेकिन पूरा हमको उसमें इमर्स नहीं हो जाना है, हमको इमर्स होके भी डिटैच रहना है. तो ये तो बहुत ही मुश्किल है. बिल्कुल डिटैच रहना तो आसान है, पर इमर्सिव होके डिटैच होना, इट इज सो टफ. देन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन. मतलब कि हमको वो चीज़ें भी समझनी है जो कहीं नहीं जा रही हैं. हमको ये भी देखना है कि उसके मन में जो है वही उसके जुबां पे है कि नहीं. अगर मन में कुछ और चल रहा है, जुबां पे कुछ और चल रहा है, ये डिस्क्रिपेंसी भी हमको मेजर करनी है, इस पर भी हमारी नज़र होनी है. बिटवीन द मैनी इंटरप्रिटिव पैराडाइम्स, हमको फेमिनिज्म का सहारा लेना है, मार्क्सिज्म का लेना है, कल्चरल स्टडीज का लेना है, कंस्ट्रक्टिविज्म का लेना है, सब का, दैट कैन बी ब्रॉट टू एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर समस्या को समाधान में कुछ भी हेल्प कर सकता है. तो इतनी सारी चीज़ों का हमको ज्ञान भी होना चाहिए. ये हम बाद में बात करेंगे कि पोस्ट पॉजिटिविज्म का क्या रोल है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म में ही एक टाइप कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है. देन एबिलिटी टू वर्क टुगेदर इन बिटवीन कंपीटिंग एंड ओवरलैपिंग पर्सपेक्टिव्स एंड पैराडाइम्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, उनमें ओवरलैपिंग हो रही है, हमको ये भी देखना है. अंडरस्टैंडिंग दैट रिसर्च इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, हमको ये भी समझना है कि जो अनुसंधान है वो अंतः क्रियात्मक क्रिया है, शेप्ड बाई हिज और हर पर्सनल हिस्ट्री, बायोग्राफी, जेंडर, सोशल क्लास, रेस एंड एथनिसिटी एंड दोज ऑफ द पीपल इन द सेटिंग. ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति का अनुभव हम साझा कर रहे हैं उस व्यक्ति का अनुभव ऐसे ही बन गया है.
भाई अनुभव में उसका पर्सनल हिस्ट्री काम देगा, उसकी क्या बायोग्राफी है, क्या जेंडर है, जेंडर का तो कितना बड़ा रोल होता है, सो किस सोशल क्लास को बिलोंग करता है, किस रेस को बिलोंग करता है, एथनीसिटी क्या है, सब कुछ वर्क करता है, सब कुछ इंटरमिक्स है, सब कुछ इंटरप्ले करता है, तब जाके निकल कर आती हैं चीजें। देन वॉट डू दे प्रोड्यूस, जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्चर है, जो ब्रिकलियर है, वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, तो बहुत खास चीज प्रोड्यूस कर रहा है, अब्रिकोलाज। अब्रिकोलाज क्या है? अ कॉम्प्लेक्स, एक एकदम कॉम्प्लेक्स चीज है, डेंस है, सघन है, रिफ्लेक्सिव है, जिसमें से आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, कोलाज लाइक क्रिएशन दैट रिप्रेजेंट्स द रिसर्चर्स इमेजेस। अब उस वो जो ब्रिकोलाज बनाया है ब्रिकोलियर ने या आपके क्वालिटेटिव रिसर्चर ने, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो कौन सा पैटर्न लेकर आया है, क्या निर्माण किया है उसने, रिसर्चर का इमेज कैसे, उसने उस घटना को लेके क्या चित्र उसके मन में है, क्या समझ है, क्या व्याख्या है ऑफ द वर्ल्ड और फिनोमेना अंडर एनालिसिस। दिस ब्रिकोलाज विल कनेक्ट द पार्ट्स टू द होल, स्ट्रेसिंग द मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स दैट ऑपरेट इन द सिचुएशंस एंड सोशल वर्ल्ड स्टडीड। और ये जो ब्रिकोलाज बनता है वो पार्ट से, मतलब उसके जो जो उसके इकाइयां हैं वो होल की तरफ इशारा करती हैं, संपूर्णता की तरफ, हमको एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप मिलता है, निकल कर आता है दैट ऑपरेट इन द सिचुएशंस एंड सोशल वर्ल्ड स्टडीड। और जो भी सामाजिक संसार का अध्ययन हम करने गए हैं उसमें कुछ मीनिंगफुल रिलेशनशिप निकल कर आता है, अगर एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च रिसर्चर ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, तो ऐसा ब्रिकोलाज बनना चाहिए। ओके, तो ये एक क्विक रिव्यू कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप क्वालिटेटिव रिसर्च को मतलब इस तरीके से नहीं समझेंगे कि यहीं कहीं कुछ कमतर है, कुछ इसमें दिक्कतें हैं, ये कुछ कम यूजफुल है, कम इसका रोल है क्वांटिटेटिव रिसर्च से। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक एंड थैंक यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू गेट लर्निंग मटीरियल्स। इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी देयर यू कैन आस्क एंड यू कैन प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक टू मी टू। ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड।